गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो साथियों एक बार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं यूपी बोर्ड के लिए आज से आपके बचे हुए हैं 67 दिन, 67 डेज आपके आज से बचे हुए हैं। आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है ये ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स को आप लोग हर दिन घर से लेकर के स्कूल तक में 2.5 से 2 घंटे तक क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स पढ़ें, 3 घंटे 3.5 घंटे तक इंटर वाले बच्चे हमारे पढ़ें, ठीक है। इस तरीके से सभी लोग अपना मैथमेटिक्स में बिल्कुल बिंदास तरीके से तैयारी करिए और आप लोग अनसॉल्व पेपर को जरूर से जरूर करिए, ठीक है। और आपको इंग्लिश की क्लास कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश की क्लास में आप जो सो उससे पहले क्लास को जो याद करना हो उसको पढ़ लो, उसके बाद भोर में उधर उठ करके आप लोग पढ़ लीजिए, आपको पूर्णतया एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है साथियों। और आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी साइंस है, जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आते हैं इनको छोड़िएगा मत, क्योंकि फिजिक्स के पेपर्स आप जब यूपी बोर्ड में आए उन्हें देखेंगे सोचेंगे कि आपको चैप्टर से पढ़ाया क्या गया था, जो अभी तक पढ़ाया गया तो आया ही नहीं, तो बताओ मैं इसमें करूँगा क्या, ऐसा विद्यार्थियों को लगता है। इसलिए फिजिक्स पे भी अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें और कंटिन्यूटेड कम से कम 1 घंटे आप साइंस के पीछे भी दीजिए, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। और यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे कम से कम 8 घंटे हाई स्कूल वाले बच्चे पढ़ें, 10 से 12 घंटे हमारे इंटर वाले बच्चे पढ़ें। देखो अभी जो तैयारी कर लोगे उतना ही सही रहेगा, नहीं पेपर जैसे ही नज़दीक और आ जाएगा तैयारी कुछ भी नहीं हो पाएगी। जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप टेंशन में हो जाओगे, कंसंट्रेट खत्म हो जाएगा, एग्जाम अच्छे से नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग हर दिन की मैथमेटिक्स क्लास हमारे साथ में जुड़ जाइए, इंग्लिश की क्लास आप हमारे साथ में जुड़ करके लीजिए, ठीक है। और बाकी की बातें आप लोग करते रहिए, फिजिक्स वगैरह की सवालें जो है केमिस्ट्री में आपके जो रासायनिक समीकरण वगैरह संतुष्ट करने के लिए संतुलित करने के लिए होंगे उनको भी खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से पूरा प्रिपरेशन के साथ में पढ़िए, अपने साथ एक कंसंट्रेशन माइंड को कंसंट्रेशन करने के बाद में जानते हैं आप लोग पढ़ाई को एकदम से रोटेट में ले लो, क्योंकि भाग्य आपको लिखना है, सब आपके हाथ में है। आपको क्या करना है क्या नहीं, कितने परसेंटेज लाने हैं, अभी वो दिन जो 67 डेज आज से बचे हुए हैं वो निर्धारित करेंगे कि आपके कितने परसेंटेज बनेंगे और कितने परसेंटेज आप ला सकते हैं, वो आपके पढ़ाई पर आपके टाइमिंग पर। देखो मायने नहीं रखता कि आप 10 घंटे पढ़ते हो, मायने ही रखेगा 10 घंटे में आप कितना पढ़ते हो, मायने नहीं रखेगा कि आपने पूरे साल भर में क्या पढ़ा, मायने ही रखेगा कि बचे हुए 67 डेज में आपने क्या पढ़ा, ठीक है साथियों। तो मन लगा करके पढ़िए एक जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उस पर सेंड करिए, आंसर आपको अगली क्लास में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको यही संदेश देना चाहते थे, तो आज की क्लास में बस इतना ही। शाम की क्लास 7:30 से 9 बजे तक की क्लास आप लोग लेना मत भूलिएगा। थैंक यू टू ऑल।